एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया था। बहुत बहुत सावधानी से सुनना, नर्मदा शिव महापुराण की कथा चल रही है, कई लोगों के मन का प्रश्न हो सकता है इस कथा के माध्यम से मिल जाए। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, भोलेनाथ बाबा। शिव जी ने कहा, हाँ बोलो पार्वती, क्या बात है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ये बोलो। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ जी से, बाबा मेरे मन में प्रश्न, क्या जो पति के कंधे पर शमशान तक जाती है, अपने पुत्र के कंधों पर शमशान तक जाती है, मांग में सिंदूर भरा हुआ, हाथों में चुड़ला भरा हुआ, पांव में पायल, पैर में बिछुड़ी पहनी हुई, हाथ में मेहंदी लगी हुई, पांव में महाबूर लगा हुआ, जो शमशान तक जाती है वो सतीत्व लोक में जाती है। पर चंचुला देवी जिसका पति बिंदु मर चुका है, प्राण छोड़ चुका है, वो विधवा हो चुकी है, बेधव्य हो चुकी है, शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता का, शिव महापुराण का महत्म है, बड़ा बड़ा ध्यान से सुनना। चंचुला देवी तो बेधव्य हो चुकी है, बेधव्यता धारण कर ली है उसने, और चंचुला देवी बेधव्य हो गई है, तो माँ पार्वती जी कह रही है भोलेनाथ जी से, इस चंचुला को वैकुंठ लोक मिलेगा, सातित्व लोक मिलेगा, कि नरक मिलेगा, कि स्वर्ग मिलेगा, कि गौलोक धाम मिलेगा, आप मुझे निश्चित कर आज बताइए, निश्चित कर बताओ, आप बताओ कि इसको क्या मिलने वाला है। भगवान शंकर ने उसी समय पर पार्वती जी को एक बड़ा सुंदर बात कहा, पार्वती पति के कंधे पर मांग भरी हुई, हाथ में चुड़ला पहनी हुई, पांव में बिछुड़ी पहनी हुई, हाथ में मेहंदी लगाई हुई, पांव में महाबूर लगाई हुई नारी जो शमशान तक जाती है वो सातित्व लोक में जाती है। पर सुनो पार्वती, आज मैं तुमको एक बहुत सुंदर संवाद कहता हूँ। पार्वती, जिस नारी का पति चले गया हो और नारी अगर विधवता भी धारण कर लेती है, विधवा भी हो जाती है, विधवता भी धारण कर लेती है, क्योंकि भाग्य किसी ने नहीं देखा किसका, कि किसके ललाट पर क्या लिखा होगा, और नारी अगर विधव्य हो जाती है, और नारी बेधव्य होने के बाद भी अगर उसी पति का स्मरण करती रहती है जो पति चले गया है, किसी पर पुरुष का स्मरण उसकी चित्त वृत्ति में नहीं आता है, और अपने बच्चों के लालन पालन में अपने पति के जैसा बच्चा को, बच्चों को बनाने का जब उसके भीतर एक लक्ष्य आ जाता है, और शिव की आराधना में जो डूब जाती है, शंकर जी कहते हैं वो भी सातित्व लोक को चली जाती है, वो भी सातित्व लोक को जाती है, उसको वैकुंठ नहीं जाना है, उसको पति के लोक ही जाना है, सातित्व लोक ही जाना है। अगर नारी अपने पति को लक्ष्य बनाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, पति को लक्ष्य बनाकर अपने बच्चों का स्मरण करती है, किसी पर पुरुष का चित्त बुद्धि में मरते दम तक, प्राण छोड़ते तक भी किसी पर पुरुष का स्मरण उसकी बुद्धि में नहीं आता, तो वो नारी भी जो अनसुईया जी ने लोक बनाया है उसी लोक में चली जाती है, वहां जाती है, उस लोक के अंदर वही। इसका कोई संवाद है आपके पास?
भोलेनाथ जी ने तो कह दिया कि साक्षी तुलक, इसका कोई संवाद है? शंकर भगवान कहते हैं संवाद की जरूरत क्या है? चंचुला देवी का पति मरा, बिंदु के प्राण छूटे, प्रेत योनि में चले गया। चंचुला ने 7 दिन तक 9 दिन तक शिव महापुराण की कथा का स्मरण करा। चंचुला का पति प्रेत योनि से छूटा। चंचुला सामने खड़ी हुई थी और भगवान शंकर ने पूछा, चंचुला तू रो क्यों रही है? चंचुला कहती है, मैं कहाँ जाऊंगी? पति लोक में जाना है मुझको, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मुझे किसी लोक में नहीं जाना, मुझे पति लोक में सात्विक लोक में जाना है। तो शंकर भगवान ने कहा, चंचुला तू चिंता मत कर, तूने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, तू बेधब्ते होने के बाद भी मेरे ही पति लोक में जाएगी, जा मैं तुझे भेजता हूँ उस पति लोक में।